हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम एडिटोरिया वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 12 को डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कुल मिला के सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 11 तक के डिस्कशन को अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए साथियों, इस सीरीज की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। साथियों, तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। यह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वह 11 से 19 फरवरी तक यानी कि 8 दिनों तक चलेगा, कुल मिला के 9 दिनों तक, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए तो काला घोड़ा या कला महोत्सव का आयोजन भी मुंबई में किया गया है। तो कुल मिला के यह कितने दिनों तक चलेगा साथियों? 11 से 19 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। यह इस अनुसार यह कुल 9 दिनों का होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि GDP का कितना प्रतिशत है। यह बजट 2023-24 के संदर्भ में पूछा गया है। तो इसके अनुसार यह जो है राजस्व घाटा GDP का 1.7% है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पूछा गया है साथियों कि बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो यह बजट 2023 है, उसके अनुसार जिन व्यक्तियों की आय 7 लाख तक है, उससे ऊपर का नहीं, 7 लाख तक के जो व्यक्ति हैं जिनकी इनकम है, उनको टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। तो साथियों, इस वैक्सीन निर्माण के संदर्भ में भारत प्रथम स्थान पे है। बात की जाए तो दूध उत्पादन, दोपहिया वाहन उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर है, और बात किया जाए कच्चा इस्पात की तो कच्चा इस्पात में भारत दूसरा स्थान पर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है। तो इसे SSLV-D2 के माध्यम से लॉन्च किया गया है, जबकि EOS-6 जो है उसका प्रक्षेपण PSLV-C54 के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह आर्मी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना के द्वारा यह ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। तो यह जो है श्री SS दुबे जो हैं, उनको भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है या क्या था। 2023 विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय था साथियों हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए विश्व वन दिवस 2023 का, तो विश्व वन दिवस 2023 विषय का थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो शिवशंकरी जी हैं, उन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार सूर्यवंशम हेतु प्रदान किया गया है, सूर्यवंशम के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2021 में बात किया जाए तो यह अवार्ड रामदास मिश्रा को दिया गया था, ठीक है, रामदास मिश्रा को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। पूछा गया है कि पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है। तो साथियों, यह KM चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। KM चंद्रशेखर ने 2023 में प्रकाशित कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे अगर बात किया जाए, अलग अलग बात किया जाए तो सलमान रुश्दी ने किसकी रचना की है, तो सलमान रुश्दी के द्वारा विक्ट्री सिटी की रचना की गई है, यानी कि इस पुस्तक को लिखा गया है विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी सलमान
रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा बात किया जाए कि गौतम चिकरमाने जो है उनके द्वारा क्या लिखा गया है, तो उनके द्वारा रिफॉर्म नेशन लिखा गया है। इसके बाद अगर बात किया जाए साईनाथ के द्वारा पी साईनाथ द लास्ट हीरोज लिखे हैं। इस तरीके से कई रचना की गई है, कई पुस्तकों को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, किस संस्था के द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है, तो यह G7 के माध्यम से इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो साथियों जेरेमी फरार है जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, पूछा गया है कि मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो इसका मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत जो है वह गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होंगे उनको तीर्थयात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ब्रज बंसी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है, तो उनका संबंध पुरातत्व विभाग से था। ब्रजबंसी लाल 2022 में उनका निधन हुआ है और यह पुरातत्व विभाग से इनका संबंध था और उन्होंने 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। कब से साथियों, 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है और इन्हें 2000 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, पूछा गया है कि किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक पारित किया गया है, तो इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है। इस कानून के तहत जो देसी गाय होंगी वो बैलों के प्रजनन को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि M3 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें मुकेश अंबानी को प्रथम स्थान है। बात किया जाए कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है, इन्हें सेकेंड मिला है। और बात किया जाए साइरस पूनावाला की, तो यह तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियंस 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। नीतू घंघास जी 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किस कैटेगरी में साथियों, 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने मंगोलिया के लुस्ताई खान अल्तानसेन जो है उनको 5-0 से हराया, ठीक है, 5-0 से हराया। कहाँ के खिलाड़ी हैं, मंगोलिया के खिलाड़ी को हरा के, मंगोलिया के खिलाड़ी को इन्होंने हराया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है, तो साथियों इसमें भारत को 13वां स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है। यह वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक है उसको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इस सूची में भारत को 13वां, जबकि अगर बात किया जाए पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर साथियों पहले स्थान पर अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान को इसमें प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है, तो साथियों इन्होंने तीसरी बार यह कार्यकाल संभाला है, तो किसने संभाला है साथियों तीसरी बार, तो वह है सी जिनपिंग, ठीक है। यह लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और इनका संबंध सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से है, ठीक है, अगर ऐसा भी पूछ जाए तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 नंबर में कह रहा है साथियों, 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है,
20 नंबर में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था, ठीक है, 2023 का विषय क्या था साथियों। तो 2023 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि कहाँ है ऑप्शन नंबर में, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है, 21 नंबर में पूछा जा रहा है कि पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी। तो यह साथियों पहली बार 1997 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया था, और यह कब मनाया गया था, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1997 को यह पहली बार मनाया गया था। 2023 की अगर बात किया जाए तो 2023 में इसका विषय था वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, वेटलैंड रिस्टोरेशन साथियों, ठीक है, यह 2023 का इसका विषय था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। तो साथियों यह पुरस्कार से कुल 11 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, अगर बात किया जाए जिसमें से 6 साथियों बॉयज़ है, ठीक है, और 5 गर्ल्स है और 6 बॉयज़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है। तो साथियों फिनलैंड जो है वह नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो की स्थापना की बात की जाए तो साथ ही नाटो का स्थापना 1949 में किया गया था, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, और फिनलैंड की अगर राजधानी की बात में की जाए तो इसकी राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो साथियों आप सभी जानते हैं मैथिली ठाकुर जो कि एक लोक गायिता गायिका हैं, उन्हें बिहार सरकार के बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 25 में क्या पूछा गया है कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह साथियों अजय सिंह बने हैं, इन्होंने सुमन सिंह का स्थान लिया है, और इसके उपाध्यक्ष जो है वह संजय नाथन बने हैं। इसके अलावा सर बात की जाए ऑप्शन से अलग तो संतोष यादव जो है वह क्या चीज़ के हैं, NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है साथियों। तो वह है बेंगुएला, ठीक है, बेंगुएला जो है वह धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। बेंगुएला क्या है साथियों, एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, यह एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है। और बात किया जाए हम्बोल्ट की ओडिसी को सुसीमा को, तो यह अलास्का की धारा है, ठीक है, आदि प्रशांत महासागर की सारी जलधाराएं हैं, यानी कि इसमें से ये सारी की सारी हम्बोल्ट की ओडिसी का सुसीमा ये सारी की सारी प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 में क्या कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया है, 2005 में, ठीक है, 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया, और क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में औसतन 52% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 29 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सकाई जनजाति निवास करती है, यह सकाई एक जनजाति है साथियों, उसका निवास स्थान कहाँ है। तो वह इराक में निवास करती है, सॉरी, विश्व का सबसे अधिक खजूर उत्पादन इराक राज्य द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ आंसर कुछ आ रहा है, प्रश्न कुछ आ रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए साथियों वर्ड इधर से उधर हो गया था, क्वेश्चन नंबर इधर से उधर हो गया था। सकाई जनजाति की अगर बात किया जाए तो यह मलेशिया के वनों में निवास करती है, ठीक है,
और यह जनजाति है, इनका रंग साफ होता है और कद लंबा होता है। और पिग्मी जनजाति की बात किया जाए तो वह कांगो में निवास करती है, बोरा जनजाति अमेजिन बेसिन में और बूशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व में सबसे ज़्यादा खजूर का उत्पादन जो है और निर्यात जो है वह इराक करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 में कह रहा है कि त्यानसान पर्वत स्थित है, यह त्यानसान पर्वत कहाँ स्थित है साथियों? तो नाम से ही आ रहा है या तो चीन या तो जापान, यानी कि यह चीन में स्थित है। त्यानसान पर्वत जो है चीन का प्रमुख पर्वत है और हक्कोबाबी रजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। फ्यूजियामा की बात की जाए तो यह जापान की सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 में क्या पूछा जा रहा है कि कमलांग बांग रिजर्व, ठीक है, कमलांग बांग रिजर्व स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। यह जो है इसका एरिया जो है साथियों 783 किलोमीटर में फैला है और अरुणाचल प्रदेश में कई और बाघ रिजर्व भी हैं, जैसे नामदफा, पाकुई, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में बाघ रिजर्व स्थित। बाघ रिजर्व क्या है साथियों? स्थल है। प्रश्न संख्या 32, विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे ज़्यादा व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन सा है साथियों? तो यह है सेंट, ठीक है, सेंटोस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर बी में नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए सेंट लॉरेंस की या सेंटोंस की, तो यह जो है ब्राज़ील में पड़ता है। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, और सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है। यह क्या चीज़ है साथियों? यह एक कॉफ़ी बंदरगाह है। कहाँ का कॉफ़ी बंदरगाह है? ब्राज़ील का, ठीक है, और इसी कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात होता है, इसीलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है कॉफ़ी पोर्ट, ठीक है, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न फिर से आ गया, तो यह सेंटोस जो है, जो कि ब्राज़ील में एक कॉफ़ी बंदरगाह है, इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 34 पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यह प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न संख्या 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था या लड़ा गया था? तो यह बाजीराव प्रथम और निजामुल के मध्य जो है यह पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पालखेड़ा का युद्ध की बात किया जाए तो वह 1728 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था साथियों? 1728 में लड़ा गया था और इसमें निजाम जो है वह हार गया था, यानी कि बाजीराव जो है उन्होंने इसमें निजाम को शिकस्त दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था साथियों? तो यह था लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड रिपन था, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया था, ठीक है, 1883 में, और विवाद के कारण रिपन जो है लॉर्ड रिपन को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही रिजिग्नेशन देना पड़ा, यानी कि अपना त्यागपत्र देना पड़ा। रिपन का कार्यकाल जो है 1880 से 84 तक था। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता था, ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटेंगल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। इन्होंने ही, लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में साथियों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में ऐसा बात कहा था कि गांधी मर सकता है
परंतु गांधीवादी नहीं। और यह जो कराची अधिवेशन है 1931, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें, आपको राइट मैच करना है। तो चलिए मैचिंग करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई थी, ठीक है। और कहाँ की गई थी साथियों, तो इसकी स्थापना लंदन में की गई थी, ठीक है, लंदन में की गई थी। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो इनकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा बात किया जाए तत्वबोधिनी सभा की, ठीक है, तो यह तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, 1839 में कोलकाता में किया गया था, ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नहीं सॉरी इसमें तो एक और छूटी किया, दो छूटा हुआ। सोशल सर्विस लीग की अगर बात की जाए तो साथियों सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में बॉम्बे में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1911 में किया गया था नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, ठीक है, लंदन में किया गया था नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया था। और नौजवान सभा की स्थापना आप सभी जानते हैं भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी साथियों, तो पंजाब में किया गया था, पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39 में क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया, तो इसे नागपुर अधिवेशन 1920 में पारित किया गया था, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है, तो साथियों सल्तनत युग के अकबर के रूप में फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, या इनका नाम सल्तनत युग के अकबर के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। ऐसा बात किया जाए तो यह संज्ञा जो है हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने इन्हें सल्तनत युग के अकबर के रूप में क्या बोला है, एक उपनाम दिया है। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी को थट्टा सिंध में पहला राज्याभिषेक इनका यहीं पे हुआ था, और दूसरा 1351 में दिल्ली में संपन्न हुआ। अब फिरोज तुगलक की बात किया जाए तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने के मामले में पहला मुसलमान शासक था, और फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो क्या था, उपज का 1/10 भाग, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद जो है वह द्वैतवाद कह सकते हैं, उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो यह निम्बकाचार्य के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, द्वैतवाद, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 में क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था, तो यह औरंगजेब था, उन्हें जिंदा पीर और शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था, या उस ऐसा उन्हें उपनाम दिया गया था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारी जो है उसकी संख्या सभी मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, और औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, जिसके चलते सिक्का पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु की बात की जाए तो उसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु की अगर बात की जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो उसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43,
किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है? तो यह कालीबंगा से युगल शब्दान यानी कि जोड़े में सब का जो है वह प्रमाण मिला है। ऐसा बात किया जाए तो यह समांतर तो है सिंगल ही होता था, लेकिन यह जो है कालीबंगा से यह साक्ष्य प्राप्त किया गया है। प्रश्न संख्या 44 की बात करें तो वैदिक देव मंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता था? तो यह इंद्र को ही युद्ध का देवता माना जाता है, और सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में कुल मिला के 250 जो है 250 सूक्त जो है वह इंद्रदेव को समर्पित है, और 200 सूक्त अग्नि देवता को है। ठीक है, सबसे प्रमुख देवता इंद्र को ही माना गया था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी इन्हें कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले विम कडफिसस ने सोने के सिक्के को जारी किया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कुजूल कडफिसस की, तो इसने तांबे का सिक्का जारी किया था। ठीक है साथियों, कुजूल कडफिसस है उसने तांबे का सिक्का जारी किया था, और विम कडफिसस ने सोने का सिक्का जारी किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है, तो यह किससे लिया गया है? तो यह फ्रांस की क्रांति से यह प्रेरणा लिया गया है, यह आदर्शवाद लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है जो यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का, यह जो है महान फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से प्रेरित है। कब साथियों? 1789 से 1799 महान फ्रांस की क्रांति से इसे आदर्श प्रेरणा लिया गया है। प्रश्न संख्या 47, किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है साथियों? तो यह बेरुबाड़ी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरुबाड़ी। बेरुबाड़ी की बात किया जाए तो 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, परंतु केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य के 1973 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साथियों, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना या कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो साथियों अधिकतम 3 माह तक। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो साथियों इसमें कुल 1/10 सदस्य अनिवार्य है, यानी कि कोरम जो है 1/10 होना चाहिए, कुल सदस्य का 10 भाग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 50 नंबर में क्या कह रहा है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे, यानी कि अपना रेजिग्नेशन देना चाहे, तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। वह अपना त्याग पत्र इनमें से किसको देगा? मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को देगा, किसे देगा साथियों? तो वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। तो यहाँ पे अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष रिजिग्नेशन देगा तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? आर्टिकल 224 के तहत उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है, और राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से नियुक्त करती है। ठीक है, और इनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वह उल्लेखित है, कहाँ है साथियों?
संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची या समवर्ती सूची। तो साथियों यह समवर्ती सूची में उल्लेखित है। समवर्ती सूची जो है उस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ और राज्य जो है कि उनके कानूनों में अंतर विरोध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन साथियों गलत है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए मैच करते हैं। बात किया जाए अंतर्राज्यीय परिषद, तो उसकी स्थापना 1960 में की गई थी, तो यहाँ से ये सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, ये भी आपका राइट है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग है, ठीक है, उसकी स्थापना 1956 में नहीं साथियों, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो यह आर्टिकल 24 है। ठीक है, आर्टिकल 24 जो है उसके अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उन्हें किसी भी बच्चे को कारखाना या किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाना है, ऐसा आर्टिकल 24 प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। 55 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो साथियों यह है विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास प्रस्ताव जो है वह सरकार द्वारा पेश किया जाता है और यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56 साथियों, 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह एक तेल शोधक कारखाना है और इधर राइट साइड में राज्य है, इसमें कौन साथियों गलत है उसे आपको मैच करना है, मतलब बताना है। ठीक है, तो कोयले की बात की जाए तेल शोधक कारखाना तो यह गुजरात में है, यह आपका सही है। फिर नुमालीगढ़ की बात की जाए तो यह असम है, ये भी आपका सही है। फिर नागपट्टिनम की बात की जाए तो साथियों यह जो है आंध्रा में नहीं है, ठीक है, यह तमिलनाडु में है साथियों। ठीक है, ये तमिलनाडु में है तो यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा, यह तमिलनाडु में पड़ता है, यानी कि सी आपका गलत हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। तडोबा नेशनल पार्क जो है वह उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो साथियों यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के बोरीवली जगह है, उस राष्ट्रीय वहाँ पे यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न संख्या 58। 58 में साथियों पूछा जा रहा है कि रावतभाटा, ठीक है, रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो साथियों यह जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में यह स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है, तो यह एवरडीन जो है, यानी कि स्कॉटलैंड का एवरडीन है, ठीक है, उसे ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। 60 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, इन सारे उपनाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी, या बादशाह खान के नाम से भी इन्हें अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 61 में कह रहा है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो यह जो है कृषि जो प्रक्रिया जो करते हैं उसमें बहुत सारे रसायन होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है जलवायु सर्वाधिक प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 62। 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, इनमें से प्रदूषण जो है उसके कारण जलवायु परिवर्तन का कारण है, ओजोन क्षरण के कारण, ग्रीन हाउस के कारण, यानी कि सारे के सारे इसमें जो है वह जलवायु परिवर्तन का मुख्य घटक का कारण है। अगला प्रश्न है 63। भारत में एग्रो
इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है साथियों? तो कुल मिला के वर्तमान में बात की जाए तो यह अभी इसकी संख्या 20 है, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स का वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 64, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1984 में किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1984 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है साथियों। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65, 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व आपदा नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? यह विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है उसे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 13 अक्टूबर को यह प्रतिवर्ष जो है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात किया जाए 12 नवंबर की साथियों, तो इस 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस, ये बीमारियों के नाम भाई साहब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कि लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है, यानी कौन सा प्रोसेस होता है? तो साथियों डीएनए, फिर आरएनए, फिर अमीनो एसिड के रूप में और फिर प्रोटीन। तो यहाँ पे कौन सा है साथियों? डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है साथियों? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है केंद्रिका में। प्रोटीन जो है, प्रोटीन की अगर बात की जाए साथियों, प्रोटीन की बात की जाए केंद्रिका में, तो प्रोटीन 78% होता है, ठीक है। प्रोटीन की बात की जाए साथियों केंद्रिका में, प्रोटीन 85% होता है, ठीक है, 85% होता है। और आरएनए की बात की जाए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो आरएनए साथियों 10% होता है, ठीक है। और डीएनए की बात की जाए साथियों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी बात की जाए तो यह 5% तक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 68, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? इनमें से जो रोग है उनमें से कौन सा रोग साथियों प्रोटोजुआ से होता है, उत्पन्न होता है? मलेरिया, कालाजार और निद्रा, ये सारे के सारे प्रोटोजुआ से होने वाले रोग है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है साथियों? तो चलिए इसमें जो है एंथोसाइनिन जो है वह प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए तो उसमें मुख्यतः तीन वर्णक होते हैं, एक क्लोरोफिल होता है, एक फाइकोबिलिन होता है और तीसरा की बात की जाए तो कैरोटीनाइड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होता है वह निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? तो साथियों यह सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है, इसलिए यह काफ़ी जटिल होता है, ठीक है। पादप अवस्थित कोशिका में यह सेल्यूलोज की बनी होती है और यह एक जटिल पदार्थ है जो पौधे के संरचनात्मक जो है यानी कि खड़ा रहने में एक दृढ़ता प्रदान करता है, अगर वो हार्ड नहीं हो जाएगा तो टूट ही जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 71, पौधे में लचीलापन किस अस्थाई ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में एक ऊतक पाया जाता है, एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम होता है कोलेनकाइमा। इसी के कारण क्या होता है कि पौधे में लचीलापन होता है। प्रश्न संख्या 72, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग कौन सा है? वनस्पति के संदर्भ में बात किया जाए तो सबसे बड़ा समूह जो है वह थैलोफाइटा है साथियों। प्रश्न संख्या 73 में कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग साथियों पुष्प है। यह जो है पुष्प पौधे के प्रजनन में सहायक होता है और एक पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर, ठीक है, अगर दोनों नहीं होंगे तो प्रजनन कार्य संभव नहीं होगा। पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74,
क्या पूछा जा रहा है साथियों कि दो सूची को दिया हुआ है एक दूसरे से मैच करना है। चलिए उड़ने वाली अगर मछली की बात की जाए तो साथियों वह कौन सी है उड़ने वाली मछली, तो वह है एक्सोसोसीटस। ठीक है, एक्सोसीटस यानी कि ए का यहाँ पे चार हो जाएगा। फिर बात किया जाए वृक्ष पर चढ़ने वाला मेंढक, वह बहुत अच्छा प्रजाति है साथियों, यह है हाइला, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा बात की जाए उड़ने वाली छिपकली की, यानी कि वैसी छिपकली जो उड़ती है, तो यह है ड्रैको। और उड़ने वाले स्तनधारी की बात की जाए तो वह है चमगादड़। अब देखिए साथियों मैं अंतिम से देख रहा हूँ, यानी कि डी का वन कहाँ है, यानी सारे के सारे में दे रहा है, यानी यहाँ से आप आंसर नहीं निकाल सकते थे अगर आपको फैक्ट नहीं याद होता। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए का 4 मैंने मारा है, और बी का क्या हुआ, बी का 3rd मारा है, बी का 3rd, ठीक है, फिर सी का 2 है और डी का 1, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है, यानी कि क्या नहीं बदलता है साथियों, तो उसमें प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वह नहीं बदलती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रकाश की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का त्रिक बिंदु, त्रियक जो बिंदु होता है वह ताप किस तापमान पर होता है, तो यह जो होता है साथियों यह होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, किसी पदार्थ का जो त्रिक बिंदु होता है वह तापमान है जिस पर उस पदार्थ के तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस पाई जाती है। ठीक है, और जल का त्रिक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से स्टार मार्क प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। 77 में पूछा जा रहा है साथियों कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है, तो साथियों जब दूरदृष्टि से पीड़ित कोई व्यक्ति हो तो उसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, आगे नहीं बनता, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, जो दूरदृष्टि जो दोष होता है जिन लोगों में, या जो ऐसे रोगी जो दूरदृष्टि रोग से पीड़ित हो, उनमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और इसके उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अगर इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो यह है विद्युत धारा। ठीक है, अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए चूँकि विद्युत धारा अदिश राशि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन कोणीय वेग की बीमा है, कोणीय वेग की बीमा आपको याद रख लेना है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम डिग्री, एल डिग्री और टी टू द पावर माइनस 1। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। भाप अंगार गैस मिश्रण होता है, तो यह किसका मिश्रण होता है, CO और H2 का। ठीक है, यह CO और H2 का मिश्रण होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है, वैसा कौन सा गैजेट जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, तो साथियों यह लाउड स्पीकर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक यहाँ पे आती है, करंट आती है और जब हम बोलते हैं तो वह ध्वनि ऊर्जा बन जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या बन जाती है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ का ए बी सी 3 स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो साथियों यहाँ पे अब बताइए ध्रुव पर अधिकतम हो जाता है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ए गलत हो जाएगा, न्यूनतम नहीं होता, यहाँ पे अधिकतम हो जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम होता है, तो नहीं, यहाँ पे न्यूनतम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, अब बताइए ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो साथियों यह बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ता है,
घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या पड़ेगा, तो वह बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 84, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों, आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। इसके अलावा बात किया जाए सोडियम 24 की, तो यह ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में इसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है। बात किया जाए लोहा 59 की, तो यह अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग है ना, एनीमिया रोग का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा बात किया जाए फास्फोरस 32 की, तो यह ल्यूकीमिया के उपचार में होता है। स्पेलिंग गलत हो सकता है साथियों, यह ल्यूकीमिया यानी कि जो ब्लड कैंसर हो जाता है ना, उसमें क्या होते हैं, श्वेत यानी कि RBC श्वेत रक्त जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है, वह मतलब अनकंट्रोल हो जाता है, उसी को ल्यूकीमिया कहा जाता है, और उसके उपचार में फास्फोरस 32 का यूज होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है? तो साथियों, इस दौरान तत्वों का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, पूछा गया साथियों कि सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह जो है सोना का अयस्क है, ठीक है, सोना, सिल्वेनाइट जो है वह सोना का अयस्क है। सोना का को ऑरम के रूप में भी जानते हैं, यानी कि AU से इसे डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है, कौन सा है साथियों पॉलीमरिक फाइबर? तो यह है ऑर्लोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, ठीक है, यह उपकरण है जो क्या करता है साथियों? तो यह जो है वोल्टेज तो को बढ़ाता है और दूसरा वोल्टेज कम करता है, ट्रांसफार्मर का ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक और दो कहाँ पे है साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है साथियों, ठीक है, अब इसमें नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो प्लूटोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, यूरेनियम है और थोरियम है, लेकिन टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, क्वेश्चन नंबर 90 में साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है साथियों? तो यह हीरे का चमकना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, हीरे का चमकना प्रकाश का अपवर्तन नहीं है, जबकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हीरे का चमकना जो होता है तारे का टिमटिमाना है, पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना है अपवर्तन के कारण, सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना है, यह है, लेकिन हीरे का चमकना जो है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हो पाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिवर्तन के कारण हो पाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 91, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो साथियों, जो विदेशी निवासियों की आय है उन्हें GNP यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि निजी प्रेषण बाह्य ऋणों पर जो ब्याज प्राप्ति होती है और बाह्य अनुदान होता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो इस दौरान उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से मदद लेनी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, पूछा गया कि जब पैसे की आपूर्ति
बढ़ जाती है, यानी कि मार्केट में पैसा बढ़ जाता होगा तो पैसे की मांग कम हो जाती है, तो यह क्या होगा साथियों? ठीक है, जब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो पैसों की मांग तो कम जाएगी ना, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसमें क्या होगा, ब्याज की जो रेट होगी उसमें कमी आएगी। जब आप सोच लीजिए कि पैसा कमी होगा तभी तो लोग ब्याज लेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा रहेगा। जब पैसा ही ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, लोगों का लोन लेने का, कर्ज लेने का कमी हो जाएगा, कर्ज लेने में कमी होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैंक क्या करेगी, डाउन करेगी, ताकि लोग कर्ज और लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर ब्याज की दरों में कमी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा। ठीक है साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, तो यह जो है आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि है। ठीक है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है, तो आंतरिक और बाह्य उधार में जो शुद्ध वृद्धि होती है वही राजकोषीय घाटा के बराबर होता है, यह यूनियन बजट के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 95। अब देखिए 95 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इसमें से निर्माण सेवा है, बीमा सेवा है, होटल और रेस्तरा सेवा है, कि परिवहन सेवा है, इसमें कौन नहीं है साथियों, ऐसा पूछा जा रहा है। तो निर्माण जो है, ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि बीमा सर्विस है, होटल और रेस्तरा सर्विस है, और परिवहन सर्विस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 96 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, मैथ का प्रश्न है साथियों। ए अपने आवास से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने कार्यालय में 16 मिनट विलंब से पहुंचता है, यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह जो है कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ए के आवास से उसके कार्यालय के बीच की दूरी क्या है, आपको इसे फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम आंसर तक पहुँचते हैं। अगर बात की जाए साथियों कि उसके ऑफिस का, उसके घर से दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है आवास से उसके कार्यालय का, तो ये नहीं पता है साथियों। तो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस को वो कवर करेगा तो आप जानते ही हैं ना, फॉर्मूला पहले जानिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, इसी से क्या निकलता है साथियों, आपका सारा का सारा फॉर्मूला इसी से इस दूसरे को क्रॉस करके रिवर्स करके आंसर निकलता है। ठीक है, अब आपको अगर समय दिया रहे ना, समय निकालना है, तो क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब वो चलेगा तो कार्यालय में 16 मिनट विलम्ब से पहुँचता है। चलिए तो मान लेते हैं साथियों, दूरी तो x है, कितना स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस बटा क्या है, स्पीड, तो वह क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि वह 1 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, अब वह कितना किलोमीटर घंटा से चल रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तब वह साथियों कितना जल्दी पहुँच जाता है, तो 20 मिनट पहले पहुँच जाता है। अब ये यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, ठीक है, x/5, ठीक है, दोनों के बीच कितना का अंतर हो जाएगा, और 1/7 में जाएगा, तो यह जो है साथियों, यहाँ 16 मिनट डिले हो रहा है और यहाँ पे 20 मिनट पहले पहुँच जा रहा है। ठीक है, यही होगा, और ये मिनट में है साथियों। ठीक है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। अब इसको तोड़ते हैं, 5/7 जा यानी कि 7x, 7/5 जा यानी कि 5x। ठीक है, और यहाँ पे 20 और 10, 30, 6, 36/60, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, जो कि इसको अगर सॉल्व करते हैं, 6×36, 6×60, 2×3 6, 2×5 10, यहाँ पे साथियों 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, 5×7 35, यानी कि 2x=21 और x=10.5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 10.5 इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 97।
1997 में कह रहा है कि यदि श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर जल में नाव खेता है तथा उसकी धारा के विपरीत गति में चाल 3.5 किलोमीटर हो तो श्याम की धारा की दिशा में गति क्या है, यानी कि धारा के जो साथ जब वो जाएगा तो इसका गति क्या है। ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर जल में शांत जल में नाव खेता है और उसकी धारा के विपरीत गति में क्या हो जाती है 3.5 किलोमीटर होती है। अब बताइए कितना के कमी आ जाता है, धारा के साथ 5 किलोमीटर चलता है और धारा के विपरीत चलता है तो 3.5 किलोमीटर, यही जो है इसके बीच का डिफरेंस जो है 5 और 3.5 के बीच का जो यह डेढ़ है साथियों, यही जो मेन फैक्टर है। ठीक है, यही डेढ़ जो है यानी 1.5 वही उसका कारक है। ठीक है, तो यह अब बताइए ये 1.5 ये क्या चीज़ है, धारा रोक रहा है ना, इतना डिले क्यों हो रहा है, धारा जो है इसको रोक रहा है साथियों। ठीक है, तो यह क्या जो हो जाएगा इसका, यह जो 1.5 जो आपको धारा का दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यही धारा इसको रोक के इसका स्पेशली सिंगल बिना धारा के साथ जा रहा है, सिर्फ नाव की गति की बात की जाए तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब उधर से आता है तो धारा उसका क्या करता है, अवरोधक का काम करता है, रोकता है, तो धारा क्या कर देता है 3.5 हो जाता है इसका स्पीड, यानी कि धारा का गति जरूर वह डेढ़ रहा होगा, तब ना इधर से 5 गया उधर से 3.5 आ रहा है तो धारा की रफ्तार कितना हो जाएगी 1.5 साथियों। अब ये 1.5 अगर हम धारा के साथ चलेंगे तो कितने देर में पहुंचेंगे, तो वैसे तो सिंपली शांत जल में 5 था और धारा जो है जो उसमें सहयोग करेगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी साथियों 6.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से समझ लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। श्याम 5 किलोमीटर गति से स्थिर जल में जा रहा है यानी कि यहाँ पे धारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन में धारा के जब विपरीत आएगा यानी कि अपोजिट साइड से आएगा, इधर से धारा प्रतिरोध कर रही है रोक रही है तो उसका गति 3.5 किलोमीटर है, तो धारा का क्या काम कर रहा है, वैसे तो नाव 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और अब 3.5 हो गया उल्टा आने में, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धारा उसको अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो अगर शुरुआत में धारा को सपोर्ट करती, शांत जल में नाव का सपोर्ट करती तो यह पहले 5 था, यह जो 1.5 जो उसको घटा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले सपोर्ट करती तो अपने से 5 किलोमीटर और 1.5 धारा सपोर्ट करती तो वह 6.5 किलोमीटर हो जाता। समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो साथियों लाइक जरूर कर दें, शेयर करें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 99 कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है, क्रिटिकल नहीं होता है। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या को पता नहीं, एक संख्या इसको है, हमको भाग करना नहीं आपको बताना है, किसी संख्या को 195 से भाग कर रहे हैं, ये इसको भाग कर दे रहा है तो जितना बार में लगा होगा और नहीं तो रिमाइंडर क्या बचा होगा 47 बचा होगा। अब ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि यदि उसी संख्या को यानी कि इसी वाले संख्या को 15 विभाजित करने का काम करेगा, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा। अब ये देखिए कि यह 15 जो 195 किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है उसको 15 काट पाता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि सेम टास्क दिया गया है, तो 15 से 195 कितनी बार में कटेगा, 15 इकाई 15 और 15 3 45 तो 13 बार में, कितनी बार में कटा उससे मतलब नहीं, ये पूरा कट गया, यहाँ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो अब फिर उसको अगला टास्क क्या मिलेगा 47 को काटने का, तो यही जो है 15 47 को काटेगा साथियों, तो 15 3 45 यानी कि 2 यहाँ पे शेष बच जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। अब 100 में क्या कह रहा है साथियों, ये आपका फॉर्मूला है आप याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कौन है उसे आपको बताना है। तो बताइए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, पहले ये मान लेते हैं ये आयत है, ये तो है ही है, तो प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता है साथियों, ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक वर्ग जो है वो साथियों आयत होता है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भी आपका सही है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है ये सही नहीं है साथियों, ठीक है,
ये आपका गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, और मैथ स्पेशली मैं मैथ पर फोकस कर रहा हूँ कि सारे के सारे जो है मैथ क्या करते हैं, यूट्यूबर्स छोड़ के चलते हैं, जब जो भी सेट बनवा रहे हैं वो मैथ को छोड़ देते हैं। तो मैंने मैथ को कवर करने का पूरा प्रयास किया है और मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और लाइक करने में साथियों बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।